हेलो फ्रेंड्स, आज हम पनीर मटर बनाने जा रहे हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ पूजा बंगेरा और आप देख रहे हैं पूजा एंड मॉम्स किचन। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप भी यमी रेसिपीज़ बनाते रहे। और हाँ, ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पनीर मटर बनाने जा रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स के लिए हमें चाहिए 3 बड़े प्याज, 4 टमाटोज, 10 से 15 काजू, और स्पाइसेस में हमें चाहिए 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 इलायची, 1 चक्री फूल और 4 से 5 काली मिरी के दाने, 1/2 किलो पनीर, 1 बड़ा कटोरी मटर, 1 इंच अदरक, 8 से 10 लहसुन की कलियां, हरा धनिया, 2 चम्मच धनिया पाउडर। हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें हमने 2 बड़े चम्मच तेल के डाले हैं और इसमें हमने सारे गरम मसाला इसमें ऐड किया है और इसको अब थोड़ी देर के लिए हम भूनते हैं। अब हम इसमें प्याज और टमाटोज जो हमने रफली चॉप करके रखा था इसमें डाल देते हैं और काजू भी इसमें ऐड कर देते हैं। हमारा प्याज और टमाटोज अब थोड़ा भून चुका है और अब हम इसमें 8 से 10 कलियां लहसुन के डालेंगे और 1 इंच अदरक रफली चॉप करके डाल देते हैं और इसको भी थोड़ा फ्राई करके रखते हैं। अब हमारा प्याज और टमाटोज थोड़ा फ्राई हो चुका है और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसमें हमने लहसुन, अदरक, काजू और गर्म मसाला ये भी ऐड करके फ्राई किया था और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए मिक्सी में ठंडा होने के बाद पीस देते हैं। हमने 1/2 किलो पनीर लिया है, इसको हमने हल्दी, नमक और मिर्ची में पहले से ही मैरिनेट करके रखा था। क्यूब्स में हमने पनीर को काट दिया है और अब हम इसे आधे घंटे के लिए अलग रख देते हैं। एक पैन लेते हैं, 1 बड़ा चम्मच तेल का इसमें डाल देते हैं और हमने जो पनीर मैरिनेट करके रखा था अब हम इसमें शैलो फ्राई करने के लिए डाल देते हैं। पनीर को हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, हल्का सा फ्राई करके एक बार में ही पलट देना है और दोनों साइड हमें ऐसे ही करना है। अगर हम ज़्यादा इसे फ्राई करेंगे तो ये पनीर ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा, हमें पनीर सॉफ्ट ही चाहिए। अब हम पनीर की ग्रेवी का प्रिपरेशन शुरू करते हैं। हमने एक पैन लिया है, इसमें हमने 2 बड़ा चम्मच तेल के डाले हैं। अब हमने इसमें मिर्ची पाउडर डालना है, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्ची, और जो भी हमने मसाले ग्राइंड करके रखे थे मिक्सी में वो अब इसमें हम डाल देते हैं और मसाले को अच्छी तरह से भून लेते हैं।
फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।